बाढ़ की समस्या का निकालेंगे अस्थायी हल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के 3,48,511 किसानों के खाते में मुख्यमंत्री ने डाले 113 करोड़ 21 लाख रुपए। कहा, नहीं होने देंगे किसानों के साथ नाइंसाफी, दंडित होंगे ऐसा करने वाले। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शीघ्र ही सरकार बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकालेगी। इस बाबत कार्य योजना तैयार हो रही है, जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक बाढ़ से सुरक्षा के लिए सभी संवेदनशील जगहों पर समय से मानक के अनुसार काम होगा या हो भी रहा है। यही वजह है कि हिमालय से लगे तराई के इलाके में इस साल औसत से 2-3 गुना बारिश होने के बावजूद कहीं भी बाढ़ के कारण गंभीर समस्या नहीं उत्पन्न हुई। मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां अपने आवास पर बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के 3,48,511 किसानों को उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति के बदले 113 करोड़ 21 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हालांकि आपकी मेहनत और क्षति की तुलना में यह रकम मामूली है, पर मरहम जैसी यह रकम आपके हितों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सबूत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई और मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। कोरोना के असाधारण संकट से लेकर वैश्विक आर्थिक मंदी तक अगर भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं रहा तो इसकी वजह खेतीबाड़ी की मजबूती और इसे अपने खून पसीने से लगातार बेहतर बनाने वाले हमारे किसान भाई ही रहे। ऐसे में हमारा भी फर्ज है कि किसानों को उनके उपज का वाजिब दाम मिले, किसी भी स्तर पर उनका शोषण ना हो। हर जिले के डीएम को इस बाबत स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं, जो भी किसानों का शोषण करेगा उसे दंडित किया जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दुगना करने के लिए पीएम सिंचाई, पीएम फसल बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाएं भी चला रही है। कार्यक्रम के शुरू में अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने सबका स्वागत किया। राहत आयुक्त संजय गोयल ने आभार जताया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव आर के तिवारी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद और सूचना निदेश शिशिर आदि मौजूद रहे। किसान बोले, हम खुश हैं, बाढ़ में मिली राहत और अब मुआवजा भी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 5 जिलों के कुछ किसानों से बात भी की। मुख्यमंत्री ने हाल चाल के साथ यह भी पूछा कि फसल की क्षति बाढ़ से हुई थी या अतिवृष्टि के नाते हुए जलभराव से, बाढ़ के दौरान राहत सामग्री मिली थी या नहीं। किसानों ने कहा, हम आपके काम से बेहद खुश हैं, बाढ़ के दौरान सभी प्रभावित गांवों में राहत सामग्री मिली थी, जहां जरूरत थी वहां युद्ध स्तर पर बचाव कार्य भी हुआ, अब फसलों की क्षति के बदले मुआवजा पाकर हम बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री ने सभी किसानों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। जिन किसानों ने मुख्यमंत्री से बात की उनके नाम है लखीमपुर खीरी के विष्णु बल्लभ राय, गोरखपुर के परमहंस एवं कुंती देवी, बाराबंकी के रामचंद्र एवं शिव कुमार, बहराइच के पनहारू और सिद्धार्थनगर के राम सुमेर। आपकी अनुमति से एक बहुत ही 2 मिनट का अल्प प्रस्तुतिकरण आते समय बाढ़ के बारे में प्रस्तुत करें। उत्तर प्रदेश भारत के कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। प्रदेश की अधिकतर जनसंख्या अपने जीवन यापन हेतु खेती पर निर्भर है। प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ प्रत्येक वर्ष प्रदेश को गंभीर क्षति पहुंचाती रही है, जिसके कारण जनमानस, पशु संपत्ति आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के 24 जनपद बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील तथा 16 जनपद बाढ़ के लिए संवेदनशील हैं। वर्ष 2020 में बाढ़ के कारण प्रदेश के 24 जनपद प्रभावित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन तथा मार्गदर्शन में राज्य में युद्ध स्तर पर राहत कार्य किए गए। राहत कार्यों के अनुश्रवण हेतु राज्य के माननीय मंत्रीगण तथा अधिकारियों द्वारा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में निरंतर दौरे किए गए। राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा राज्य स्तर पर एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र के माध्यम से जनपदों में बाढ़ की स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की गई। वर्ष 2020 में बाढ़ से प्रदेश में लगभग 2 लाख परिवार प्रभावित हुए। बाढ़ राहत कार्य के रूप में 1,98,482 परिवारों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त 1,06,376 फूड पैकेट, 3,56,194 मीटर तिरपाल तथा पशुओं के चारा हेतु 5,000 क्विंटल भूसा भी वितरित किया गया। बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रदेश में 823 बाढ़ चौकियों, 384 बाढ़ शरणालयों तथा 662 पशु शिविरों की
स्थापना की गई। बाढ़ से प्रदेश में 3 लाख से अधिक कृषकों की लगभग 1,20,515 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त हुई है। इस वर्ष प्रथम बार बाढ़ से प्रभावित कृषकों तथा क्षति संबंधी वितरण को ऑनलाइन करते हुए NIC के माध्यम से एक वेब बेस्ड क्षति सर्वेक्षण तथा राहत वितरण मॉड्यूल तैयार कर लागू किया गया है, जिसको सीधे कृषकों के बैंक खातों में कृषि निवेश अनुदान राशि अंतरित करने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2020 में 19 जनपदों के बाढ़ से प्रभावित 3,48,511 कृषकों को 113,20,66,000 रुपए की कृषि निवेश अनुदान राशि आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा DBT के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन व प्रेरणा से राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त कार्यालय प्रदेश के जन जन तक राहत कार्यों को सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु लगातार प्रयासरत है। जनपदों के कृषक सीधे योजना है, अगर आपकी अनुमति हो तो बहुत ही अल्प समय के लिए उनसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, सब प्रणाम है सर, सब प्रणाम सर। हमारे यहाँ सर 30,299 कृषकों को आज अंकित धनराशि के खाते में ट्रांसफर हो रही है सर। हमारे साथ विष्णु बल्लभ राय जी एक कृषक और शशिकांत जी, इसके अलावा और ढेर सारे कृषक यहाँ है सर। आपके फसल को बाढ़ से नुकसान हुआ है या अतिवृष्टि से? बाढ़ से सर नुकसान हुआ है। कितनी फसल को नुकसान हुआ है? करीबन हमारे 70% फसल नुकसान हुई है। अच्छा, आज जो है आपकी जो फसल को उस समय बाढ़ के समय में आप लोगों को कुछ राहत सामग्री वितरित हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, बाढ़ के समय में गांव-गांव जाके लगभग और यहाँ के सदर SDM लखीमपुर के नाव से गए थे, गांव में हम लोगों की समस्या पूछी थी और हर गांव को नाव लगाया था उन्होंने, और नाव वालों का पेमेंट भी हो गया है 18 दिन का। ठीक है, ठीक है। तो आज जो है राय साहब, आज जो है आपको या आप जितने भी प्रभावित किसान थे, इन लोगों को जो भी मुआवजा सरकार की तरफ से बन रहा था, तो उसमें आज वो पैसा आपके खाते में जा रहा है, ठीक है ना? जी, जा रहा है। मैंने कहा धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जनपद गोरखपुर, जिलाधिकारी गोरखपुर बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्ते। गोरखपुर में सर 212 गांव प्रभावित हुई थी सर, उसमें 145 गांव पूरी तरह मरुड़ हुआ था सर, टोटल 22,340 हेक्टेयर नुकसान हुआ था सर। अब तक सर हम लोग 40,700 किसान का चेन कर चुके हैं सर। आज आप कार्यक्रम के माध्यम से पैसा जा रही है सर, करीब 10,20,00,000 रुपया जा रही है सर। किसान आपसे बात करने भी चाहते हैं सर, इसपे मैं चाहता हूँ सर कि परमानेंट सिटी आए हुए सर तरकुला से, आपने वो इनका 9,500 रुपया आज मिल रहा सर आपका हाथ से, और ये आपसे बात करेंगे सर। बोलिए बोलिए। नमस्ते परमानंद जी, कैसे हैं आप? आपका कैसे, बाढ़ से नुकसान हुआ था या जल जमाव से? नहीं, बाढ़ से नुकसान हुआ था। सारो आठ सौ किलोमीटर आप बनवा रहे हैं तकला में। हाँ, उसी बगल पर जब रेगुलेटर बन जाएगा तो हम लोग का फसल है नुकसान। हाँ, तो वो रेगुलेटर इसीलिए बनाया जा रहा है जिससे बाद में कोई फसल को नुकसान न हो आपकी। हाँ, अभी तैयार नहीं हुआ, नुकसान हो रहा।
हाँ, लेकिन अब इस साल हम उसको प्रयास करेंगे कि उसको इस बार इस साल तक बनवा लें। आपको जो है फसल का जो नुकसान हुआ है उसमें सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा आपके खाते में आज जा रहा है, तो मैंने कहा आपको और आपके परिवार को और सभी किसानों को जिनकी फसल नुकसान हुई है उन सबको मैं बधाई दे दूं, और आप लोगों के खाते में पैसा जा रहा है। यद्यपि जितना नुकसान हुआ है, किसान को बहुत ज़्यादा फसल उम्मीद होती है कि इतनी पैदा हो सके, लेकिन जब नुकसान हो जाता है तो उतना कंपनसेशन, उतना मुआवजा सरकार नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी कुछ सहयोग सरकार के स्तर पर ये किया जा रहा है, इसलिए आपको और आपके पूरे परिवार के लिए मैं इस अवसर पर अपनी बधाई दे रहा हूँ। अच्छा, आप बैठ, हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप कुर्सी में बैठिए, कुर्सी में बैठिए, आप बैठ जाइए। कितना फसल को नुकसान हुआ था आपका? 4 बीघा में। तो आज जो है उस समय तो आपको राहत सामग्री मिली थी कि नहीं मिली थी? बच्चे लोग घर ही। अच्छा, बच्चे घर ही में हैं। ठीक है ठीक है, आज पैसा जो आपका, ठीक है ठीक है ठीक है, जो आज आपकी फसल को बरसात में बाढ़ से नुकसान हुआ था तो वो धनराशि आज आपके खाते में जा रहा है, ठीक है ना? वो पैसा आपके खाते में भेज रहे हैं हम लोग, इसीलिए जो है यहाँ लखनऊ से हम पैसा सीधे भेज रहे हैं। जिलाधिकारी आपके खाते में वो पैसा जमा करेगा, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी अपने खाते से आप निकाल सकते हैं फिर, ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। अच्छा, बहुत सुंदर रामचंद्र जी। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे आपकी फसल कैसे नुकसान हुई थी? ओहो, अब देखिए जितना आपका जो है खेत में पैदा होता उतना थी भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि सरकार फिर भी अपने स्तर पर कुछ मुआवजा आज आपके खाते में दे रही है, इसलिए मैंने कहा मैं स्वयं भी आप लोगों से एक बार बातचीत करूं, तो आज इसीलिए आपसे बातचीत करने का यह अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं आपको और आपके साथ के सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं जिनके खाते में आज धनराशि, जो भी मुआवजे की राशि थी, जिनका नुकसान हुआ है उन लोगों को मैं बधाई दे सकूं, इसलिए आपके साथ सीधे हम संवाद बना रहे हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है, शिव कुमार जी बैठे हैं, आप आराम से बैठ, कुर्सी में बैठ जाएं, कुर्सी में बैठिए आप। नमस्ते। आपका भी ये सब जो है घाघरा नदी से हुआ था नुकसान? वहां पे नुकसान हुआ है, ठीक है। आपके खाते में भी पैसा जा रहा है, और अब जरूर आप लोग जो है साथ सरकार इस जो है नुकसान की घड़ी में आप लोगों के साथ में है और हर संभव सहायता करेगी, यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है। जनपद बहराइच। हाँ नमस्ते। 125 गांव के सर 37,276 कृषकों को सर राहत आज वितरण किया जा रहा है 15.8 करोड़ रुपए का सर। आज सर वार्ता के लिए सर पनहारू आए हुए हैं ऐसी तहसील के सर। हाँ नमस्ते, कितना नुकसान हुआ आपका? 9 बीघा धान था। कितना इनको पनारू जी को कितना पैसा जा रहा है? सर 9,450 रुपए का सर। इनके अकाउंट में पैसा जाएगा सीधे सपना? यस सर।
सारा पैसा उनके अकाउंट में ही उनको जाना चाहिए और उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। जरूर हाँ, सामान भी दिया गया था और इस समय धनराशि भी आपके खाते में सीधे जा रही है, ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। सिद्धार्थ नगर, जनपद सिद्धार्थ नगर। नमस्कार सर, जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर बोल रहा था सर। हाँ नमस्ते। जनपद में सर 15,458 किसानों की संख्या है सर, जिनमें 44,449 क्षेत्रफल हेक्टेयर में सर प्रभावित हुआ है और 10,366 क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है सर। 7,44,00,000 रुपए की धनराशि ये जा रही है किसानों के खाते में सर। इसमें से यहाँ किसान है सर राम समल है सर, यहाँ पे सर बबई गांव से बात करना चाहेंगे। आप बता दीजिए अपने, बोल दीजिए आप, बोले बोले। हाँ नमस्ते, कितना नुकसान हुआ था आपको बाढ़ से? अच्छा, ये बाढ़ से हुआ है, कौन राप्ती नदी की बाढ़ आई थी? अच्छा वहां पे हुआ है आपको नुकसान बाढ़ के समय में? उस समय कुछ राहत सामग्री मिली थी कि नहीं मिली थी? बाढ़ के समय उस समय मिला था। ठीक है, और इस समय आपके खाते में जो नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ मुआवजा सरकार दे रही है, वो सीधे आपके खाते में पैसा जा रहा है, ठीक है ना? और देखिए ये एक राहत जो है सरकार के स्तर पर दिया जा रहा है, सरकार आप सभी पीड़ित किसानों के साथ में है और हर संभव सहायता आप सभी लोगों को उपलब्ध कराएगी। और कोई किसान? प्रदेश के मुख्य सचिव शारके तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और MSME श्री नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री SP गोयल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, राहत आयुक्त और अन्य सभी अधिकारीगण, सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मेरे साथ जुड़े हुए सभी किसान भाइयों बहनों, इस वर्ष बाढ़ के कारण प्रदेश के अंदर 20 से अधिक जनपद प्रभावित हुए थे, जिसमें लगभग 3.5 लाख किसान सीधे सीधे बाढ़ से प्रभावित हुए थे। उनकी मेहनत की कमाई बाढ़ की चपेट में आई थी। बाढ़ के समय में समय पर राहत आयुक्त कार्यालय के माध्यम से हर जनपद में नौकाएं उपलब्ध कराना, NDRF और SDRF के माध्यम से लोगों को समय पर राहत कार्य करने के लिए प्रशासन ने समयबद्ध योजना बनाई थी। वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद युद्ध स्तर पर राहत का कार्य भी प्रदेश के अंदर उन सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों में देखने को मिला था। प्रयास किया गया था कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पीड़ित जनों को मिले और आज प्रदेश सरकार के द्वारा पीड़ित किसानों को, जिसमें 3,48,500 से अधिक पीड़ित किसान हैं, इन सभी किसानों को 113,21,00,000 रुपए की धनराशि उनके खाते में बाढ़ प्रभावित फसल का मुआवजे के रूप में उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यद्यपि किसान भाइयों को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अत्यंत कठिन होती है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा एक मलहम लगाने का कार्य उन सब किसान भाइयों के साथ किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी किसान बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे वह केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की हो या प्रदेश की सरकार, यह आप सबके हितों के लिए पूरी तरह कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।
किसान के जीवन में खुशहाली आए इसके लिए लागत का डेढ़ गुना दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को प्राप्त हो सके, इस सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। कई जनपदों के आज जिलाधिकारीगण के साथ किसान बंधुगण आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं सभी से इसी बात को कहूंगा कि किसानों को कहीं भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में उन्हें प्राप्त हो ये सुनिश्चित करना उनका दायित्व बनता है। और जहां कहीं भी उन्हें लगता है कि किसानों का शोषण हो रहा है या किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो उन अन्याय करने वाले शोषण करने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। हर जनपद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीड़ित किसानों को ये मुआवजे की राशि हर हाल में आज उनके अकाउंट में पहुंच जाए, साथ साथ ये भी हम सुनिश्चित करें कि इस राशि के पहुंचने के साथ ही किसानों ने अपनी मेहनत से जो फसल तैयार की है इस कोरोना कालखंड में भी, वास्तव में कृषि का एक ऐसा सेक्टर है जिसने कोरोना कालखंड में अर्थव्यवस्था को एक नई जान दी है। और उन स्थितियों में अगर हमारा किसान मेहनत करके परिश्रम करके अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देता है तो हमारा दायित्व बनता है कि किसान के साथ हम हर सुख दुख की घड़ी में उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। और इन स्थितियों में मेरा सभी जिलाधिकारियों से आग्रह होगा कि वे सुनिश्चित करें कि हर एक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हर जनपद में सुनिश्चित हो, जिससे किसान शोषण से मुक्त होकर के कृषि क्षेत्र सेक्टर को जो मजबूती प्रदान करने की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है इस पर हम एक नया कार्य कर सकेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि 19 जनपदों के 3,48,511 किसानों को 113.21 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में सीधे हस्तांतरित की जा रही है। निश्चित ही किसानों किसान बंधुओं को बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई करने में राशि किसानों के लिए मददगार साबित होगी। मैं एक बार फिर से बाढ़ के समय में प्रशासनिक टीम ने राहत आयुक्त कार्यालय के साथ मिलकर के जो बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, आने वाले समय में किसान बंधुओं को बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव करने के लिए हम एक पुख्ता व्यवस्था कर सकेंगे। ये कार्य हमारा अभी से आगे बढ़े जिससे समय से बाढ़ जैसी आपदाओं को नियंत्रण करने में मदद मिल सके। मैं एक बार फिर से सभी किसान बंधुओं को आज इस धनराशि को उनके खाते में जाने पर हृदय से बधाई देता हूं। शारदीय नवरात्रि की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सरकार आपके साथ हमेशा हर स्थिति में आपके साथ खड़ी है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।